एक जमाना था जब दुनिया भारत से सीख लेती थी और आज तमामों देश हमारे दूतावासों से लोगों को बुलाकर फटकार लगा रहे हैं और माफी मांगने को कह रहे हैं। किस बात की देश माफी मांगेगा? भारतीय जनता पार्टी की एक बेलगाम प्रवक्ता ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए बेहद घटिया आपत्तिजनक बयान पैगंबर के बारे में बोला। इससे भारतीय मुसलमानों को तो ठेस पहुंची ही, उनकी आस्था पर चोट पहुंची, लेकिन उससे मोदी जी या उनकी सरकार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, जरा सी भी कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन जब अरब देशों ने इस पर आपत्ति जताई, हमारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होने लगा, संकट गहराया, दूतावास से ऑनवॉयस को बुलाकर फटकार लगाई जाने लगी, तब दुम दबाकर उस प्रवक्ता को उसके पद से और पार्टी से निष्कासित किया गया। और निष्कासित करते वक्त ये कहा गया ये फ्रिंज एलिमेंट थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और बात है, कतर ने, कुवैत ने, ईरान ने हमारे दूतावास से ऑनवॉयस को बुलाकर खरी खोटी सुनाई है। और उस खरी खोटी को सुनाने के बाद और ये सुनने के बाद मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। एस जयशंकर जी जो बहुत दंभ भरते हैं फॉरेन पॉलिसी का, कोई बयान इशू करिएगा या अभी हम वेट करेंगे कि अब कौन सा देश हमारी फजीहत करेगा? असल में मूल मुद्दा एक ही है, इंटरनेशनल ख्याति तो दिला नहीं सकते हैं। रोज रोज भक्तों, नफरती चिंटुओं, बेलगाम प्रवक्ताओं के चलते इंटरनेशनल फजीहत जरूर देश की होती है, तो इसको खत्म करने के लिए कोई रणनीति है सरकार के पास? और एक बात इससे और जरूर सीखनी चाहिए नफरती चिंटुओं को, खास करके, कि नफरत सिर्फ और सिर्फ उन्माद पनप पाती है, नफरत का अंत बुरा होता है। खास तौर से नोएडा के उन कमांडो वॉरियर एंकर गणों को यह जरूर समझना चाहिए कि वक्त आने पर दूध की मक्खी की तरह छिटका दिए जाएंगे। जब अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट कह दिया तो आपका हश्र क्या होगा ये आप जानते हैं। इसलिए रोज शाम को दुकान खोलकर नफरत फैलाने का काम खत्म कर दीजिए, इस देश का सर ऊंचा करने का काम करिए। इंटरनेशनल फजीहत जो उन्मादी एंकरों, बेलगाम प्रवक्ताओं, ट्रोल आर्मी, नफरती चिंटुओं और खुद आपकी सरकार और आपके चलते भी होती है मोदी जी, उसका अंत होना चाहिए, क्योंकि देश का सर नीचा करने की अनुमति किसी को नहीं है, आपको भी नहीं। कुछ लंपटों और बकरबाजों ने विश्व भर में सिरमौर रहने वाले भारत को लज्जित किया है। पिछले 8 सालों में नागरिक कम, भक्त ज्यादा पैदा हुए हैं। मुंह में राम, बगल में नाथूराम कहने वाले जब माफी वीर को महिमा मंडित करें, तब समझिए कि देश की ऐतिहासिक धरोहर खतरे में है। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी एवं अनगिनत महापुरुषों के विचार, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले देश में गोट से जबरन कुर्सी पर काबिज है। जब हत्यारों का महिमा मंडन हो, जब अपराधी मुक्त किए जाएं, जब खुलेआम नरसंहार की धमकियां दी जाए, जब धर्म की आड़ में दंगा करवाया जाए, जब धर्म की आड़ में नफरत फैलाया जाए, जब धर्म की आड़ में भेदभाव कराया जाए, जब धर्म की आड़ में सियासत हो, पाखंड हो, तो आप धर्म नहीं एक गिरोह के चंगुल में फंसे हैं। वो गिरोह जिसकी दोहरी शख्सियत और स्वार्थी सियासत से शर्म भी शर्मसार हो जाए। यही वो दोहरी शख्सियत किसी भी मुल्क की भाषा, संस्कृति, पहचान, गौरवशाली इतिहास के लिए खतरा होता है। हम आपके भाषण नहीं भूले प्रधानमंत्री जी, सितंबर 2002 खैरलान जी गुजरात, उत्तर प्रदेश 2017 शमशान कब्रिस्तान, दिसंबर 2019 कपड़ों से पहचाने जाते हैं, ये वक्तव्य आपके हैं। आपको मैं याद दिला दूं, ना केवल आप उन्हीं रास्तों से गुजरकर यहां तक पहुंचे हैं, आप आज भी वक्त आने पर उन्हीं रास्तों पर चले जाते। भारत जिसका इतिहास पूरे विश्व में गौरवशाली है, जिसकी गंगा जमनी तहजीब, जिसका सर्वधर्म संभाव पर पूरे विश्व गर्व करता है, भारत जिसमें तुलसी, कबीर, कालिदास, रैदास, रहीम, बाबा फरीद, जायसी, दिनकर, खुसरो, बुल्ले शाह, गालिब, हरियाद और न जाने कितने सूफी संत महापुरुषों की मिठास है। अब उस धरती पर गाली गलौज, लाठी, कट्टा, गोली, जहरीली जुबान उन्माद है।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया कुछ राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स के गैर जिम्मेदाराना आचरण से परेशान है, जो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे कमजोर समुदायों के प्रति नफरत फैलाकर निशाना बनाया जा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ने महज व्यूअरशिप बढ़ाने और लाभ कमाने के लिए इन चैनल से ऐसे व्यवहार को रोकने और आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी है। माफ कीजिएगा, आज मीडिया सरकार के सामने खड़ा होना तो दूर, उनके सामने 90 डिग्री के कोण पर रहता है। पर्दे के पीछे वफादारी स्टूडियो में साफ दिखती है, वहां लगे कैमरे जहरीली साजिश के गवाह हैं। स्टूडियो में लगे कैमरों के पीछे भी कैमरे हैं जो दूर बैठे संचालन कर रहे हैं, न्यूज रूम या PCR से नहीं, कहीं और से। और सबकी गर्दन, सबकी खबर उसी के हाथ में है। ताउम्र यही भूल गालिब करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। आपका एक तोता मीडिया है, उस तोता मीडिया को आपने माध्यम बनाया और उस तोता मीडिया के माध्यम से आपने हम जैसे तमाम लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, विपक्ष को, अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया, उनको चुप कराने की चेष्टा की। अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, एंटी नेशनल्स, ये तमाम उपाधियों से आपने विभूषित करने की कोशिश की और उनको चुप कराया, मुहिम छेड़ दी उनके खिलाफ। और आज यह परिस्थिति पैदा हो गई कि विदेशी मुल्कों की घुड़की पर आप तुरंत कार्रवाई कर देते, अपने देश से आवाजें उठती उनको दबाते हैं, बाहर से आवाज उठी और आपने कार्रवाई की। और कार्रवाई क्या की? अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ताओं को फ्रिंज कह दिया। फ्रिंज का हिंदी ना प्रणव भाई को मालूम है ना संजीव भाई को मालूम, आपको मालूम हो तो बताइए। अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ता, उनको आपने फ्रिंज कह दिया। आप कैसे फ्रिंज कह सकते हैं, हमें तो यह नहीं समझ में आता। आप भी तो इन्हीं रास्तों से गुजर कर यहां तक पहुंचे, यही गलियां थी जिनसे आप गुजर के यहां तक पहुंचे हैं मिस्टर मोदी। आप नहीं किसी को फ्रिंज कह सकते। आज आप फ्रिंज कह भी दें, कल यही नुपुर शर्मा, यही नवीन कुमार जिंदल आप ही की पार्टी द्वारा मुख्य धारा में लाए जाएंगे। कल का फ्रिंज आज का मेनस्ट्रीम है, आज का फ्रिंज कल का मेनस्ट्रीम बनेगा।